मशहूर सैहती मकाम सोनमर्ग सरमाई खेलों में अपने पहले कौमी सतह के इवेंट आठवीं कौमी स्नो शू चैम्पियनशिप 2024 की मेज़बानी के लिए एक तारीख रकम कर रहा है। ये खूबसूरत पहाड़ी रिजॉर्ट के लिए एक अहम संग मेल है, क्योंकि चैम्पियनशिप के गुज़श्ता एडिशन रिवायती तौर पर मशहूर सिकी रिजॉर्ट गुलमर्ग में मुनक्किद हुआ था। दो रोज़ा चैम्पियनशिप में मुल्क के 13 रियासतों की नुमाइंदगी करने वाले ज़ायदस 200 खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ खितों के खिलाड़ियों का ये इज्तिमाई चैम्पियनशिप की कौमी अहमियत पर मज़ीद ज़ोर देता है और सोनमर्ग में सरमाई खेलों को फ़रोग देने में इसके किरदार को उजागर करता है। पेशे वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की सोनमर्ग से ये खसूसी रिपोर्ट। This is the first type of event, national event being organized in Sonamarg. As you all know, it is only because of the efforts of the district administration government that we are able to organize. आज यहाँ पे 8 नेशनल स्नो शू कॉम्पिटिशन सोनमर्ग में हो रहा है और इसमें मैं यहाँ पे सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ की टूरिस्ट अथॉरिटीज और हम सबको बधाई देता हूँ और एसोसिएशन का भी बधाई देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने ये इवेंट किया है और सोनमर्ग पहली बार जो है पूरे 12 महीने यहाँ पर खुला रहा है। आने वाले समय में भी सोनमर्ग में बहुत अच्छी डेस्टिनेशन बनेगी। सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। हाँ, ये 8th नेशनल स्नो फेस्टिवल ऑफ इंडिया यहाँ चल रहा है, आज स्टार्ट हो गया, जिसका इनॉग्रेट रिसाब ने किया आज। इसमें 110 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो 50% आउटसाइड जो कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स और यूटीज हैं वहाँ से है और J&K से भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लद्दाख से भी है, कर्नाटक से, पंजाब से, हरियाणा से। मॉर्निंग में इनको इवेंट होगा, आज भी, कल भी और परसों ये अपने दूसरे पार्टी को घर जा रहे हैं। इनके लिए होटलर्स एसोसिएशन, स्नो शू एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनने सब फैसिलिटीज, होटल एसोसिएशन का बड़ा रोल इसमें है जिन्हें इनको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड किए, उनकी बदौलत ही ये यहाँ इनका हमने किया। इनको लॉजिंग, बोर्डिंग सब फैसिलिटी हमने प्रोवाइड किया। ये 3 दिन कल शाम को आए थे, आज भी है, कल भी है, परसों मॉर्निंग को ही जाएंगे। हम टूरिस्ट्स लोकल्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि वो सोनमर्ग आए। सोनमर्ग अब वो डेस्टिनेशन नहीं रही जब ये 3 महीने बंद हुआ करती थी, ये 12 के 12 महीने अब खुला रहता है। यहाँ जो भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, हेल्थ, वाटर, PHE, इलेक्ट्रिसिटी, सभी फैसिलिटीज़ और जो भी यहाँ स्नो बाइक्स, स्नो शू, सभी इक्विपमेंट्स इनको अवेलेबल हैं और यहाँ ये मज़ा उठा रहे हैं। इंशाल्लाह स्नो इस साल लेट हुई, ये दूसरी बार बर्फ़बारी हो रही है, आप देख रहे हैं कि बर्फ़बारी कैसे एंजॉय कैसे कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स कंटिन्यू रहेंगे। स्नो शू इवेंट हो रहा है, ये दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये सोनमर्ग में हो रहा है। आज तक हम ये गुलमर्ग में करते थे, लेकिन सोनमर्ग की जो अथॉरिटीज़ हैं, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और सोनमर्ग होटलर्स एसोसिएशन, इन दोनों के कोऑपरेशन से और उनके इश्तराक से हमने ये, उनने हमें इनवाइट किया, ये इवेंट हमने पहली बार यहाँ पर करें। सोनमर्ग को डेवलप करना चाहते हैं एज अ विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन और ये टूरिज्म के लिए सारा साल खुला। इस साल उन्होंने कोशिश की है कि ये सोनमर्ग को हम पूरा साल, सारा साल खुला रखेंगे और सर्दियों में भी खुला रखेंगे। और उस सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि हमने ये स्नो शू इवेंट यहाँ पे इनका किया है इसका, और ये बड़ा सक्सेसफुल रहा है और ऊपर वाला भी बहुत मेहरबान है। ये मौसम भी रहा, यहाँ पे बहुत बर्फ़ कम थी, लेकिन कल शाम से यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़ भी हो रहा है और हमारे इवेंट्स बड़े अच्छे से चल रहे हैं। और हमारे लिए ये जो CO साहब हैं, उन्होंने जो सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है और यहाँ पर होटलियर्स एसोसिएशन है, उन्होंने हमें लॉजिंग और बोर्डिंग की सारी फैसिलिटीज़ दे दी है और वंडरफुल फैसिलिटीज़ दे दी है। और बच्चों से हमने को बच्चों का बड़ा इन्होंने ख्याल रखा है, बच्चों को कोई पैसा नहीं देना पड़ा और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है इनके लिए। और अब ये इवेंट्स हमारे हो रहे हैं,
हमारे डीसी साहब आगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो गांधरबल की है उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया है, वो उन्होंने स्नो क्लियरेंस करवा दी है, रोड खुले रखे हैं, टनल का भी उन्होंने खोल के रखने का हमें हमारे साथ वादा किया है ताकि बच्चे यहाँ आ गए हैं, आराम से आ गए हैं और आराम से वापस भी चले जाएंगे। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये इवेंट अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तकमील को पहुँच जाएगा और हम हमारे बच्चों को अच्छा फ़ायदा होगा और लोगों को भी ये मैसेज चली जाएगी सारे इंडिया में और सारे वर्ल्ड में कि सोनमर्ग एक बहुत बढ़िया जगह है विंटर स्पोर्ट्स के लिए, विंटर गेम्स के लिए और विंटर एज टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, अब तक पहलगाम और गुलमर्ग में ही ये इवेंट्स हुआ करते थे क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज थी, सारा कंसंट्रेशन जो था गवर्नमेंट का और टूरिज्म डिपार्टमेंट का उसी पे था, लेकिन इस साल पहली बार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये तय किया है कि हम ये इवेंट यहाँ पर भी करेंगे और चूँकि इन्होंने सर्दियों में सोनमर्ग को खुला रखा है और उसी की एक कड़ी ये भी है कि हमारी ये जो नेशनल ये जो इवेंट है यहाँ पे हो रहा है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी ये जब भी हमें बुलाएंगे हम पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और हम यहाँ पे इवेंट्स करते रहेंगे। मेरा नाम हरीम है और मैं हारवन से हूँ, श्रीनगर से। हम स्नो शू से पिछले गुलमर्ग जुड़े हुए हैं और ये वाला ईयर ज्यादा अच्छा रहा है स्नो शू के लिए क्योंकि यहाँ की अकोमोडेशन बेटर थी। ऐसे इवेंट आगे भी होने चाहिए और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए क्योंकि इससे यूथ जो है वो गेम्स की तरफ मुतवज्जो होती है और बाकी चीज़ों से दूर रहती है। मेरा नाम शाहिद है एंड आई एम फ्रॉम श्रीनगर। गुलमर्ग में खेलता था, वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, यहाँ पे वैसी अकोमोडेशन नहीं थी मिलती थी वहाँ पर, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कैसी होटल भी अच्छे हैं, अकोमोडेशन भी अच्छी है, यहाँ की स्टाफ टीम बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है कि आई होप कि आगे भी ऐसी हो। आई विल थैंक टू द सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड डीसी गांधरबल। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।